यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज चल रहा है 5.2 5.2 का क्वेश्चन नंबर हो चुका है हमारा 18 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुब्बा राव ने 1995 में सुब्बा राव ने 1995 में, मतलब सन 1995 की बात होगी, 5,000 रुपये मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया में 5,000 रुपये के मासिक वेतन के पद पर कार्य आरंभ किया, मतलब कोई नौकरी पाई है, यानी 1995 में उसका जो वेतन था 5,000 रुपये महीना था, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हुई तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, स्टार्टिंग में कितना था 5,000, 200 200 बढ़ गया, जैसे कि 5,200 हुआ होगा, 5,400, और लास्ट में कितना हो गया होगा 7,000 हो गया, ठीक है। तो कहा है कि किस वर्ष इतना हो जाएगा, तो ये हमको बताना है। तो स्टार्टिंग में जो था वेतन वो 5,000 था, 200 200 की प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई, ये 5,000 था 1995 में, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, ए बराबर है 5,000, जो बढ़ रहा है वो है 200, यानी डिफरेंस। एल बराबर है 7,000, यानी कि लास्ट है, अंतिम कितना है 7,000। तो यहाँ पे एन का मान निकाल लेंगे, कितने इसमें टर्म आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 कितने आ जाएंगे, तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये का 7,000, ए का मान 5,000 प्लस एन माइनस वन, डी का मान 200, ये हो गया 5,000 माइनस का 5,000 बराबर एन माइनस वन इंटू 200, यानी कि ये है 2,000 इक्वल टू 200 इंटू एन माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, तो एन बराबर हो जाएगा 20 बराबर एन माइनस वन, 20 इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन बराबर 21, यानी कि 21 ऐसे टर्म्स आ गए, जैसे कि एक वर्ष 1996 में ये हो गया होगा, फिर 1996 में ये हुआ होगा, 1997 में ये हुआ होगा, तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ऐसे 21 वर्ष आ गए। तो 95 में को अगर 21 जोड़ दिया जाए, जैसे 2 वर्ष बाद इतना हो गया है ना, तो 21 वर्ष बाद उसका जो वेतन है वो 7,000 हो जाएगा। तो 1995 में कितना जोड़ा है 21, तो क्या हो जाएगा 6 11 2016 में, तो वर्ष 2016 में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा वर्ष 2016 में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 200 रुपये की प्रति वर्ष वृद्धि हुई है, 1995 में 5,000 था, तो 7,000 रुपये महीना होने में उसे 2016 तक का टाइम लगा, तो 2016 में उसका वेतन कितना हो गया 7,000 महीना हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 20 नंबर लास्ट है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत और
अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाई। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 हो गई तो एन का मान ज्ञात करो। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो एन का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन था। यानी कि रामकली ने किसी वर्ष पहले सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, फिर साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाई। यानी कि स्टार्टिंग में थी 50 और अगले सप्ताह होगी 50 में को 1.75 जोड़ेंगे तो 51.75 और लास्ट की में होगी 207 रुपये 50 पैसे। यह है एनवे सप्ताह की, यानी कि एन का मान ज्ञात करना कि कितने सप्ताह में इसका पैसे इतने हो गए। ए का मान 50 और जो टी है वो है 1.5 का, जो कॉमन डिफरेंस है। यानी प्रत्येक सप्ताह 1 रुपया 75 पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एल यानी अंतिम पद है, अंतिम जो हो गई है वो 207 रुपये 50 पैसे है। तो एल बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एल का मान 207.50, ए का मान है 50 प्लस एन माइनस वन एंड डी का मान है 1.75। इसको घटा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। एन का मान सिर्फ निकालना है, एन का मान निकल आएगा कि कितने सप्ताह में ये हो गई है। 207.50 माइनस का 50 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। तो 207.50 में से 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.50 एंड 7 15, 157.50 एन माइनस वन इंटू 1.75। तो एन माइनस वन इक्वल टू आ गया 157.50 बटे 1.75। पॉइंट दो के बाद है पॉइंट दशमलव तो हट जाएगी और यहाँ पे बचता 115 या 175, 15750 बटे 175 कट जाएगा शायद 5 से, 5 से 15 और 2 बचा 5 5 25, 5 से 15 5 5 5 5 25 एंड 0। तो फिर से काटेंगे इसको और कैंसिल हो जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू 3150 बटे 35, 5 से 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15 एंड 0 और 7 से 7 63 0। यानी एन माइनस वन इक्वल टू 90, एन बराबर 91। यानी कि 91 सप्ताह में उसकी जो आय थी वो चेंज होके 207 रुपये, यानी कि बचत है 207 रुपये 50 पैसे हो गई थी।